ओ भाई मेरे को बचाओ यार, मैं कैसे बचूंगा इधर से भाई। नहीं 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 भाई, भागना पड़ेगा इधर, भागना पड़ेगा भाई। बच गया भाई, छोड़ बच गया बच गया बच गया बच गया। पत्थर लौटा दो, पत्थर लौटा। ओ भाई भाई, नहीं ओ नहीं यार बच्चे, नहीं नहीं दादा जी, नहीं नहीं नहीं। छोटे छोटे बच्चों को मेरा प्यार, बड़े लोगों मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबको एक नए हॉरर गेम प्ले में, जिधर हम जो हॉरर गेम प्ले हम खेलने वाले वो है हमारा ग्रानी चैप्टर 3। हाँ, दादाजी ने मेरे को किडनैप करके ले गए थे, मैं वहाँ से जैसे तैसे करके बच के आ गया हूँ। अगर मैं कैसे बचा वो मैं आपको बताता हूँ। मैं जैसे ही बंद किया था ना उस बंदी घर में, मेरे को वहाँ पे एक लॉक पिक मिल गया था, जिधर से मैंने जैसे ही मेरे को उस ताले के अंदर डाल के तोड़ना पड़ेगा ताले को, ताले को तोड़ के मैं इधर से निकलने वाला था। और वो जैसे इधर से जैसे निकला, उधर मेरे को एक दरवाज़ा दिखने लगा, और दरवाजे से मैं जैसे ही खुला, जैसे मैंने लगा कि वहाँ से निकल सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे निकल नहीं पाया मैं, वहाँ पे दरवाज़ा बंद था। और जैसे नीचे गया मैं नीचे, मेरे को ट्रेन दिखने लगा, और ये देखो वो है ट्रेन। लेकिन ट्रेन के पास एक मशीन था, जो मशीन ने चिल्लाने लगा मेरे को मेरे ऊपर, और जैसे मशीन ने चिल्लाया मेरे को लगा कोई तो नीचे आ रहा है, और मैं जैसे ही जैसे करके भाग के इस छोटे वाले घर में निकलने लगा। मेरे को लगा ये छोटे वाले निकले रास्ता होगा अगर, लेकिन नहीं, छोटा सा जो घर है उसके अंदर रास्ता तो था, लेकिन यहाँ पे एक दरवाजा था उसको तोड़ा। जैसे ही तोड़ा उधर साउंड हो गया, और दादी ने जो है ना पीछे, ओ भाई साहब मेरे पीछे ही आ गए दो, मेरे को पकड़ने वाले थे। और जैसे थोड़ी देर अगर मैं गलती करता तो मेरे को पकड़ लेती, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं निकलने वाला था, और वहाँ तो मैं सोचा थोड़ा साउंड कर लेते हैं इधर से, और साउंड करके ही उधर जैसे ही दादी चली गई, मैं जैसे ही इधर से निकल के आ गया। और मेरे पास 5 दिन था, 5 दिन के अंदर अगर मैंने उधर उस वाले घर से अगर नहीं निकलता, ये दादी के घर नहीं निकलता, तो मेरा हालत कुछ ऐसा हो जाता। लेकिन मैं 5 दिन के अंदर निकल के आ गया। कैसे निकला आप लोग को वीडियो में पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं जैसे तैसे करके उधर उधर थोड़ा सा सामान ढूंढने लगा, क्योंकि मेरे को पता था इधर उधर निकलने के लिए मेरे को सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे जैसे करके मैं तो सामान इकट्ठा करने लग रहा था, लेकिन मैं बाहर जाके पत्थर ढूंढने लगा, और सामने मेरे को पत्थर लगा। पत्थर जैसे उठाया मेरे को कुछ लगा, कुछ साउंड आने वाला था, कुछ साउंड आ रहा था मेरे को, पत्थर लौटा दो, पत्थर लौटा दो। तो ऐसा आवाज़ सुन के मेरे को तो मेरे को फटके हाथ में आ गया भाई, बोला ये कौन है भाई। जैसे ही वो दूसरा पत्थर उठाया फिर तो बोला, पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा, पत्थर लौटा दो। भाई मैं तो उसको इग्नोर करके बाहर, मैं सोचा भाई पत्थर अब नहीं छोड़ो भाई, पत्थर दो ही पत्थर उठा ले, और पत्थर नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो जो पत्थर वाला भूत है जो, ओ भाई साहब ये मेरे को जो ये है ना सिलेंडर ना, वो मेरे को बहुत ही परेशान कर रहा था, और पत्थर वाला शैतान वो तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। पत्थर उठाने नहीं दिया, दो ही पत्थर उठा के मैं जैसे जैसे करके पूरा घर में ढूंढ रहा था कि कुछ सामान मेरे को मिल जाए, लेकिन मेरे कुछ मिल ही नहीं रहा था। जिधर जिधर जाओ उधर उधर जाओ, लेकिन मेरे कुछ मिल ही नहीं रहा था भाई। और जैसे जैसे करके तो मैंने पूरा सामान पूरा घर ढूंढा, और घर ढूंढते ढूंढते मेरे को कुछ अच्छा सा सामान तो मिला, जो मैं आपको आगे आपको दिखने मिलेगा। और जैसे इधर से मैं जा रहा था, और ये वाला दरवाज़ा खुला, तो मेरे को क्या देखा, ओपन की। लेकिन ओपन की लेके मैं जैसे ही बाहर को जाने लगा, तब भी कुछ मेरे साथ ये हो गया भाई साहब। ग्रानी ने मेरे को मार के मेरा भरता बना दिया, और फिर से दूसरे वही वाले कमरे में बंद कर दिया। जो मेरे पास तो लॉक पिक था, वही लॉक पिक खोल के मैं बाहर आ गया, और बाहर आते ही वही मैं किचन में आ गया। किचन के आते ही बाहर देखने लगा कहीं पे बुढ़ा तो, वो बुढ़ी तो नहीं है, बुढ़ी तो नहीं था इधर पास पास में। और मैंने ओपन की उठा के मैं भाई आँख बंद करके इधर थोड़ा साउंड किया, पत्थर भी उठा लिया, और पत्थर वाला भूत तो अभी नहीं आया। जैसे जैसे करके मैं तो भागा भाई घर के अंदर, लेकिन 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 मैं ऐसे कैसे घर के अंदर जा सकता हूँ, और बुढ़ा मेरे सामने आ गया भाई। ये बुढ़ा बुढ़े मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं भाई साहब। मेरे को लगा बुढ़ा ने मेरे को देखा नहीं होगा, जैसे मैं इधर से निकल जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे तो साउंड कर दिया था, मेरे को लगा बुढ़ी आ गया, लेकिन बुढ़ा भी देख रहा, और सिलेंडर ना भी मेरे को पास में पड़ गया मेरा। लेकिन जैसे जैसे करके तो बाहर निकलने लगा था, लेकिन ग्रानी सामने आ गए थे, ग्रानी से पीछे से मैं चुपके से निकल आया। और ऊपर आते ही मैंने ओपन की के लगा के ओपन का जो बक्सा था उसको खोल दिया, और उधर से मैंने स्लिंग शॉट निकाल लिया, और वहाँ पे दादी आ रही थी उसको मैंने मार के बेहोश कर दिया। और जैसे ही दादी को बेहोश कर, दादाजी बहुत गुस्से हो गए, दादाजी तो आगे चुपके से, दादाजी को मेरे को लगा दादाजी को मैं मार दूंगा, लेकिन जैसे उनके ऊपर एम करने लगा, दादाजी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया भाई। और भाई डे 3 हो गया ऐसे करके, और मैं जैसे जैसे करके उधर से फिर से निकलने लगा। और जैसे ही उधर से निकला भाई, मैं ऊपर आ गया और स्लिंग शॉट उठाने लगा। स्लिंग शॉट उठाते ही मैं भागा भाई किचन में, लेकिन सोचा किचन में जाऊंगा तो भाई दादा दादी तो होंगे उधर, मैं जा गया नहीं, और दादी मैं पीछे पीछे पड़ गई थी, और दादी को मैंने को मजबूरी में बेहोश करना पड़ा भाई। मैंने जानबूझ के नहीं किया भाई, मजबूरी में करना पड़ा, दादाजी गुस्सा हो गया आ रहे थे, दादाजी को मैंने बेहोश कर दिया फिर से।
और उनके जो हथियार था, जो शॉटगन था, उसको मैंने उठा लिया भाई साहब। और नहीं उठा तो भाई दादाजी हमको मारते हो भाई। मैं जैसे जैसे करके उसको लेके बंदूक को लेके गया, ऊपर फेंक दिया भाई। हाँ ऊपर फेंक दिया और ये प्लैंक को उठा के ऊपर लेके चला। और ऊपर जो कमरे है उधर टूटा हुआ था जगह, उस जो टूटे हुए जगह को बंद कर दिया। और ऊपर मेरे को देखा दो बर्तन, जो बर्तन को मेरा चाहिए पानी भर के रखना पड़ेगा। और मैं उधर उधर ढूंढ रहा था, मेरे को दिखा पैडलक की, पैडलक की को मैं लेके इधर फेंक दिया। और मैंने अपना शॉटगन भी उठा लिया था, शॉटगन उठा के अपना खोजबीन करने लगा था। अभी मेरे को सिलेंडर ना चाची आ गई, सिलेंडर दीदी आ कि हमको परेशान करने लगे। और मैं टेडी हमको मिल गया, टेडी को हम उनको दे देंगे। किसको? सिलेंडर दीदी को अगर दे दूंगा तो मेरे को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मुसीबत का ख़त्म होती है हमारे पास। जैसे मैं टेडी लेके आया और हमारे पीछे पड़ गए कौन? दादी जी। दादी जी को हमको मजबूरी में मारना पड़ेगा। और ये हमने दादी जी को ये लगाया शॉट और दादी जी हो गए बेहोश। लेकिन लेकिन मैं यहाँ पे गलती कर देता हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ ना भाई साहब, मैंने गलती से शॉटगन गिरा के टेडी को उठा लिया और दादाजी आके उस टेडी को शॉटगन उठा के लेके भाग गए। मैं भी कहाँ रुकने वाला था, मैं टेडी उठा के ऊपर आ गया। किसको देने के लिए? सिलेंडर दीदी को देने के लिए। अगर सिलेंडर दीदी को हमको टेडी दे देंगे तो सिलेंडर दीदी खुश होकर हमको कुछ सामान दे देगी। वही सोच के मैं ऊपर आ गया और सिलेंडर दीदी को दे दिया मैंने टेडी। और सिलेंडर दीदी खुश होकर आ गई और मेरे को बहुत सारा बधाई देके हुए और चाबी देके चली गई। वो चाबी कौन था? सेफ की। सेफ की तो हमारे पास, मेरे को मालूम था सेफ की कहाँ मिलेगा, और सेफ की तो मिल गया। और सेफ जाके, सेफ में जाके उसको चाबी लगाए और हमको मिल गया ट्रेन की। भाई मैं तो इतना खुश हो गया भाई, ट्रेन की हमको मिले और इधर से मैं बच के जा सकता हूँ। और जैसे जैसे करके ट्रेन की लेके मैं नीचे गया और इसको फेंक दिया नीचे, और वहां पे स्लिंग शॉट उठा लिया। और दादी जैसे, ये दादी को मैंने खुशी से बेहोश कर दिया भाई। इतना खुश हो गया कि मैंने उसको बेहोश ही कर दिया दादी को। और दादी को बेहोश करने के बाद मैं जैसे ही देखा तो बुढ़ा आ गया था दादी का बदला लेने के लिए। मैं सोचा बोला भाई दादी का बदला लेने के लिए आए हो, तू कूद के मर जा भाई। मैंने उसको मार दिया। और हम शॉटगन में एक ही गोली था और एक ही गोली लेके मैं कहां पहुंच गया? काला कौवा के पास। ठीक है ना, काला कौवा को मैं बोला कि चाबी दे दे, लेकिन वो दिया नहीं, उसको मैंने मार दिया। और मैंने मारते हुए बंदूक को नीचे गिरा दिया। मैं डर लग रहा था कि दादाजी अगर उठा लेंगे गन तो मेरे को मारेंगे भाई, मेरा भर्ता बना देंगे, क्योंकि उनके काला कौवे को मैंने मार दिया। फिर मैंने उनको इग्नोर किया भाई, मैं छोड़ो भाई, मार दिया तो मार दिया। मैं नीचे चल के वो चाबी लेके गया और शेड की को ओपन किया। और जैसे ओपन किया मेरे को, मेरे भाई खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मेरे को एक्सीलेटर मिल गया कि भाई ट्रेन का एक्सीलेटर, समझ रहे हो ना? उसको मिलने के बाद तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं इसको फेंका और वहाँ पे स्लिंग शॉट पड़ा हुआ था, लेकिन उसको मैं इग्नोर करके शॉटगन उठा लिया भाई। क्योंकि शॉटगन बहुत ही काम का है भाई। उधर में गोली पड़ा हुआ था, गोली भरने गया और गोली भरते ही दो गोली भरा हुआ था। तो जैसे आया भाई, दादी भी आ गई थी क्या करने के लिए? मरने के लिए हमारे हाथ से। भाई यही तो काम करते हैं, हम दादी को मारते हैं फिर गोली भरते हैं, दादाजी को मारते हैं फिर गोली शॉटगन फुल लोड करते हैं। यही तो काम करते हैं हम, क्या करते हैं इस गेम में। फिर दादी के बदला लेने के लिए दादाजी भी नहीं आ रहे थे, लेकिन थोड़ी देर वेट करने के बाद दादाजी भी आ गए गुस्से में। दादाजी बोल रहे थे कि तूने दादी को कैसे मारा? मैं बोला ऐसे मार दिया। फिर दादाजी ये सुन के बेहोश हो गए भाई। वो दादाजी तो बेहोश हो गए, तो मैं नीचे गया और नीचे वाला कांच होता, कांच को मैंने तोड़ दिया भाई बंदूक की मदद से। और उसे अंदर के जाके देखा, अंदर मेरे को क्या मिला भाई? वहाँ पे पड़ा हुआ था फ्यूज। फ्यूज मेरे को चाहिए नहीं था। फिर मैंने जो क्रॉसबो था, क्रॉसबार नहीं क्रोबार, भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, क्रोबार को उठाया। क्रोबार उठा के जैसे ही जाके देखा जनरेटर केबल पड़ा था, लेकिन मेरे कोई जरूरत नहीं था उसको। मैंने ऊपर जाके क्रोबार को फेंक दिया। क्या फेंका? क्रोबार को फेंक दिया, ठीक है ना। और मैं बंदूक लेके ऊपर आ गया, लेकिन लेकिन नीचे फेंका हुआ था ना बंदूक को, बंदूक को लेके ऊपर आ गया, एक ही गोली था उसमें। मैं सोचा भाई दूसरा गोली भर लेता हूँ। दूसरा गोली भरते ही मेरे पीछे से थोड़ा साउंड आने लगा। मेरे को लगा कहीं पे कुछ ना गलती गड़बड़ है। और जैसे ही जाके ऊपर देखा, दादी जी वहाँ पे खड़ी हुई थी भाई। जैसे ही देखे दादी जी मेरे को प्रैंक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन मैंने उनके साथ प्रैंक कर दिया। दादी के साथ प्रैंक करने के दादाजी बहुत गुस्से में आ गए। दादाजी बोले तूने मेरे को ग्रानी के साथ क्यों ऐसे क्यों किया? फिर मैंने बोला तू कैसे किया? ऐसे कर दिया भाई देखो। तो दादाजी भी सुन के बेहोश हो गए फिर से दो मिनट के लिए, ढाई मिनट के लिए बेहोश हो गए। फिर मैं जैसे ऊपर जाके देखा, वहाँ पे गोली पड़ा हुआ था, गोली को मैंने भर दिया बंदूक में। और दो जो बर्तन पड़ा था, दो बर्तन को नीचे गिरा दिया भाई। ऊपर कैसे रखा है दादा दादी, तो चढ़े कैसे ऊपर? मेरे को बताओ भाई, मेरे को ये बताओ भाई, चढ़े कैसे ऊपर? मेरा हाथ नहीं जा रहा है, दो बुढ़े बुढ़ियों का हाथ कैसे चढ़ा होगा? पता नहीं कैसे जाके जाए। तो मैंने बर्तन को नीचे फेंका एक बर्तन, और दूसरा बर्तन उस साइड पड़ा हुआ था, मैंने उसको इग्नोर किया और बंदूक लेके नीचे चला गया। क्योंकि इधर से जाऊँगा तो ऊपर जाना पड़ेगा ना, तो इधर से मैंने उस बंदूक
बंदूक को फेंका और उधर से हम क्रोबार लेके ऊपर आ गए, क्योंकि वहाँ पे मेरे को लगा यहाँ पे बर्तन ही पड़ा हुआ था और यहाँ पे एक बक्सा था, बक्से को खोलने का तो कोकोनट मिला, नारियल मिला, नारियल के तोड़ अंदर हमको पानी मिल सकता है, नहीं तो हमको कुछ ना कुछ तो चीज़ मिल सकता है जिससे हमको ट्रेन एस्केप करने में ज़रूरत पड़ेगी। जैसे उसको लेके भागा मैं नीचे नीचे चलने लगा, तभी मुझे कुछ साउंड आने लगा, मेरे को लगा कि नीचे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वहाँ पे क्रोबार ही पड़ा हुआ था और जिस बंदूक लेके मैं खड़ा हो गई थी, लेकिन 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 मेरे को क्या पता था, जब भी मैं शूट करने लगा तभी मुझे पता चला कि हमारे पास तो गोली था ही नहीं भाई। इतना बेवकूफ़ कोई हो सकता है क्या? कैसे ऐसे करके दादी तो भागी, लेकिन ये बंदूक गोली भरते दादी पीछे से आ गए भाई, मेरे प्रांग कर रही थी दादी, बोली कि मैं प्रांग कर रहा था, मैं तो छुप के देख रही थी, लेकिन मैं बोला मैं भी छुप के बैठा हुआ था, मैं तो गोल भी मिलते ही दादी को उड़ा दिया। और दादाजी को तो भाई गुस्सा बहुत आ गया, दादाजी भी गुस्से में आ गए, बोले दादी को कैसे तूने मारा, मैं बोले ऐसे मार दिया दादाजी, भाई बोले कि तू हर बार मुझे ऐसे मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, मैं बोला प्रैंक तो कर रहा हूँ मैं। और नारियल जैसे तोड़ा पानी तो निकला, पानी को मैंने इग्नोर कर दिया और नीचे से मेरे को मिला के कॉइन मिला भाई, कॉइन उठा के मैं जैसे जैसे करके ऊपर भागा और कॉइन लेके मैं फेंक दिया भाई इधर, क्योंकि सारा सामान इकट्ठा करना था, अगर इधर मैं इकट्ठा कर लिया तो मेरे को सामान ढूंढने में की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इधर उधर सामान फेंकता रहता, मैं भूल ही जाता हूँ भाई मैं सामान कहाँ फेंक दिया। और मैं जैसे तैसे करके सारा सामान को इकट्ठा किया और यहाँ बर्तन में पानी भरा, क्योंकि बर्तन में पानी भरना जरूरी है, क्योंकि पानी पीना भी तो जरूरी है ना। मैं बर्तन में पानी भर के नीचे लेके गया, क्योंकि इधर रखना पड़ता है भाई, पानी पीता नहीं भाई, इधर रखना पड़ता है, इधर रखने से एक मैजिक होगा, इधर से बक्सा खुलेगा। और दूसरा भी बर्तन मैं जैसे ही लेके गया और मैं इधर से भाई मैं सोचा लिफ्ट से चले जाता हूँ भाई, इतना मेहनत कौन करेगा सीढ़ियों से, यही से मैंने गलती कर दी। क्या गलती की? मैं यहाँ पे गिराया और यहाँ पे दादी आ गई, लेकिन दादाजी तो नीचे थे, जैसे ही लेके इसको मैं जैसे ही लेके नीचे बाहर निकला लिफ्ट से, और दादाजी छुप के बैठे होते, मैं मार रहे मेरे को। फिर डे फोर भी हो गया, मेरे पास बचा होता एक दिन, अगर मेरे एक दिन गलती कर दी, एक दिन में मेरा एक गलती मेरा जिंदगी ले सकता था। दादी मेरे पीछे पड़ी हुई थी और मैंने भागते हुए यहाँ पे बर्तन उठाया और बर्तन को फेंका, लेकिन दादी ने मेरे को पकड़ने वाला था, लेकिन दादी को मैंने चकमा दे के मैं भी छड़ा बहुत भाई, मैं भी भाई बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला, मैं भी तो स्लिंग शॉट लेके भागा भाई उधर से। मैं बोला भाई बर्तन को छोड़ो भाई, स्लिंग शॉट उठा के भागा, लेकिन पत्थर नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद बहुत ढूंढने का पत्थर तो मिल गया, दादी जहाँ पे छुप के किसको ढूंढ रही पता नहीं, मैंने पीछे से उनको हमला कर दिया, लेकिन 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 दादाजी बहुत गुस्से हो गए, दादाजी भीड़ से आ गए बंदूक लेके मेरे को मारने के लिए, लेकिन मैं भी बड़ा शातिर खिलाड़ी निकला, मैंने उसको भाई चुपके ही मार दिया और दादाजी बेहोश हो गए। फिर मैं बर्तन उठाया, बर्तन में पानी भरा, पानी भर के मैं चला भाई नीचे, क्योंकि यही काम बचा हुआ था उस दूसरे जगह पे रखने के लिए। अगर इसको रखने के बाद हमको चाहिए था पैडलक्की, हमने ऊपर ही फेंका हुआ था, मेरे को याद आ गया। फिर मैं भूल गया था कहाँ पे गिराया था, मैं ढूंढने लगा, फिर बाद में पता चला मैं तो सेकंड फ्लोर पे गिराया हुआ था भाई। उसको उठाया और उसको लेके चल के पैडलॉक की ओपन कर दिया और मैं अंदर मेरे को मिल गया इलेक्ट्रिक स्विच, ट्रेन का इलेक्ट्रिक स्विच मिलने के बाद मैं तो भाई बहुत ही खुश हो गया और उसको लेके भाई उस इधर फेंक दिया, क्योंकि इधर हमको टिकट चाहिए भाई, अगर टिकट नहीं लेके गया और टीटी हमको बहुत मारेगा, और टिकट के लिए चाहिए था मेरे को कॉइन, और यहाँ पे जितना सामान था मैं उसको लेके नीचे चला गया रखने के लिए, क्योंकि सामान इधर इकट्ठा कर लेंगे तो हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा भाई, समझ रहे हो ना। और कॉइन उठा के मैं निकल पड़ा, क्योंकि टिकट लेने के लिए पैसा चाहिए था, हमारे पास पैसा तो था, मैं सोचा कि टिकट खरीद लेते हैं पहले, क्योंकि वो जो मशीन है ना हमको बहुत ही परेशान कर रहा है, इधर पैसा डाला और स्विच दबाया और हमको टिकट मिल गया। अब तो मैं खुश था बहुत, क्योंकि हम टीटी आ गए, हमको पकड़ नहीं, दादी ने हमको पकड़ लिया, दादी जैसे ही भागते हुए आई मैं भाई जाके छुप गया, क्योंकि हमको रिस्क नहीं लेने का भाई, एक ही दिन बचा होता हमारे पास। एक दिन जैसे ही मैं देखा कि वहाँ पे दादी तो है ही नहीं, तो फिर मैं एक दिन को बचा, तो वहाँ पे जैसे ही देखा वहाँ पे ट्रैप डोर में ट्रैप लॉक लगा के गया था, कौन ना दादी जी, दादी को लग रहा था हम तो भाई देखेंगे नहीं, उन्होंने ट्रैप में फंस जाएंगे, दादी हमको पकड़ के मार देगी, एक दिन ख़त्म कर देगी, फिर हमको कहीं पे फांसी दे देगी। लेकिन हम तो बड़े साथ ही निकले, हमारे पास तो टिकट था, टीटी को हमने टिकट दिखाया, टीटी बहुत खुश हो गया और हमारे खुशी उसी खुशी में ट्रेन खोल दिया भाई, हम तो भाई बहुत खुशी हो गए। यही टीटी था तो चिल्ला रहा था बहुत देर से, लेकिन टिकट मिलने के बाद वो तो चिल्ला ही नहीं रहा था। फिर मेरे को इलेक्ट्रिक स्विच और यहाँ पे एक्सीलेटर पड़ा था, एक्सीलेटर मैंने लेके लगा दिया भाई, एक्सीलेटर जैसे लगाए वहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गए भाई, वहाँ पे पावर तो लगाया नहीं, लेकिन वो इसी में दादाजी आ गए, दादाजी हमारे पीछे ही पड़ गए, मैं जाके छुप गया उधर ओ गली में, छुपा नहीं था मैं तो बस देख ही रहा था।
छुपा नहीं था, थोड़ा डर तो लगता है हमें। तो मैं इलेक्ट्रिक स्विच लेके गया और इधर जैसे यहाँ पे लगाने वाला था, थोड़ा साउंड भी हो गया था। मेरे को डर लग रहा था दादी कहीं पे सुन के ये साउंड, दादाजी तो नहीं सुन सकते लेकिन दादी अगर सुन के आ गई तो मेरी तो खटिया खड़ी कर देगी। और मैंने सारा दरवाज़ा बंद कर दिया और इलेक्ट्रिक तो हमारे यहाँ पर आ गए थे। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम दादी के सामने ही ट्रेन उनके चुरे, तो मैं थोड़ी देर वेट किया। उसके बाद दादी जैसे ही नीचे आई पे उनके सामने ही मैंने एक्सीलेटर दबाया और ट्रेन को स्टार्ट कर दिया और उन्हीं के सामने ही मैं ट्रेन लेके भाग गया। भाई ये खुशी जो था ना, मेरे को लग रहा था भाई लास्ट डे तो हो गया था, अगर दादी ने हमको पकड़ लिया होता तो मैं मार के भरता बना देती। और दादी जी देखो कैसे खड़े होके ढूंढ रहे थे कहाँ भाग गया हमें ट्रेन, तो वो खुद तो गया लेकिन ट्रेन भी लेके भाग गया भाई। तो गाइज ये वाला गेम प्ले आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और क्या बताऊँ, ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करना जरूर, ठीक है ना। और फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।